कहानी की शुरुआत में हमें एक काल्पनिक देश वाडिया दिखाया जाता है। वाडिया में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म के बाद ही उसकी माँ को मार दिया गया था और उसके कुछ सालों बाद ही उसके बाप की भी हत्या कर दी गई थी। और अब सिर्फ 7 साल की उम्र में ही अलादीन वाडिया का राजा बन जाता है। इसके बाद सीन यही कट होता है और हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर अलादीन अब बड़ा हो चुका है। अलादीन अपने बाप की तरह ही सनकी और पागल है और उसके मन में जो आता है वो वही करता है। वो अपने देश में ओलंपिक गेम्स रखता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है, लेकिन अगर गेम के दौरान कोई उससे आगे निकल जाए तो अलादीन उसे गोली मार देता है और खुद वो ये गेम जीत जाता है। और इसी तरह वो ओलंपिक्स में 14 गोल्ड मेडल्स जीत चुका है। इसके बाद अलादीन अपने महल के बाहर आता है और अपनी प्रजा को कहता है कि जल्दी ही पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगी। हमने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया है, लेकिन किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए। और ये बोलते ही उसकी हंसी छूट जाती है। इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में जाता है और वहाँ पर वो अपने चाचा तामीर से मिलता है। इसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ पर अलादीन देखता है कि उसकी मिसाइल बहुत ही छोटी बनी है। अब ये देखकर अलादीन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साइंटिस्ट नदाल को बुलाने के लिए कहता है। पर तभी बाकी साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि सर, जब आप पिछली बार यहाँ पर आए थे तो आपने नदाल को मरवा दिया था। अलादीन को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तब उसे याद आता है कि जब वो 2 साल पहले यहाँ पर आया था तो उसने अपने साइंटिस्ट नदाल को मरवा दिया था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और एक साइंटिस्ट अलादीन को कहता है कि शायद आप ये बात भूल गए थे। पर इस पर अलादीन हंसते हुए उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं भूला, और फिर वो उस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। इसके बाद अलादीन वापस अपने महल में आ जाता है जहाँ पर उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियाँ थी। दरअसल अलादीन अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ लड़कियाँ ही रखता था ताकि बाद में वो उनके साथ मजा कर सके। फिर जब अलादीन अपनी कार में से जैसे ही बाहर निकलता है, वहाँ पर एक आदमी आकर उसे गोली मार देता है। पर बाद में हमें पता चलता है कि ये आदमी असली में अलादीन नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट था। दरअसल अलादीन हमेशा अपने साथ एक डुप्लीकेट रखता था ताकि जब भी कोई उसके ऊपर हमला करे तो उसका डुप्लीकेट ही मारा जाए। अलादीन दिमाग से इतना पैदल होता है कि वो अपने डुप्लीकेट की लाश को उठने के लिए कहता है, लेकिन जब वो लाश नहीं उठती तो अलादीन अंकल तामीर को इशारा करता है कि इसे मरवा दो। फिर अलादीन के वहाँ से जाते ही उसके चाचा तामीर किसी को फोन करते हैं और कहते हैं कि अलादीन इस बार भी बच गया और अब हमें उसके जैसे दिखने वाले किसी और को ढूंढना होगा जो हमारा काम कर सके। अब ये देखकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि अलादीन को उसके चाचा तामीर ही मरवाना चाहते हैं ताकि वाडिया की पूरी सत्ता उनके हाथों में आ जाए। इसके बाद ये लोग अलादीन के हमशक्ल को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलादीन की तरह दिखता था और वो भी उसी की तरह ही दिमाग से पैदल भी था। दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं जो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस मेगन फॉक्स के साथ मजे कर रहा होता है, और फिर मजे करने के बाद वो उसके साथ एक फोटो खिंचवाता है और उस फोटो को अपनी दीवार पर चिपका देता है। उसी दीवार पर हम और भी कई सारी लड़कियों की फोटोज को देखते हैं जिनके साथ अलादीन अब तक मजे कर चुका था। फिर अगले दिन जब अलादीन वीडियो गेम खेल रहा था तभी वहाँ पर उसके चाचा तामीर आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर अपने परमाणु हथियार बनाने के बारे में उन्हें सफाई देनी होगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपनी फौज भेजकर वाडिया पर कब्जा कर लेंगे। अब ये सुनकर अलादीन डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा। अब अलादीन अमेरिका आ जाता है और अमेरिका के लोग उसके खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। वो चाहते हैं कि वाडिया में डेमोक्रेसी हो और कोई भी पागल राजा उन पर अत्याचार ना करे। इसके बाद अलादीन अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है जिसका नाम क्लिटोन था और वो अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। फिर रात को होटल में जब अलादीन सो रहा होता है तभी वहाँ पर क्लिटोन आता है और उसे किडनैप कर लेता है। फिर वो उसे एक टॉर्चर रूम में ले जाता है और वहाँ पर वो अलादीन को अपने हथियार दिखाता है जिनसे वो उसे टॉर्चर करने वाला था, लेकिन अलादीन उसके हथियारों का मजाक उड़ाने लगता है जिससे गुस्सा होकर क्लिटोन उसकी दाढ़ी काट देता है। फिर वो उसकी दाढ़ी को जला देता है पर दाढ़ी पर लगी आग से वो खुद भी जल जाता है। दूसरी तरफ अलादीन खुद को रस्सियों से आजाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब अलादीन की दाढ़ी कट जाने की वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं सकता। फिर अगले दिन अलादीन उसी जगह जाता है जहाँ पर उसे भाषण देना था, लेकिन तभी वो वहाँ पर देखता है कि उसका हमशक्ल उसके चाचा तामीर के साथ वहाँ पर भाषण देने के लिए जा रहा है। और अब ये सब देखकर अलादीन समझ जाता है कि ये सारा खेल उसके चाचा तामीर का है। अब अलादीन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो रेलिंग से कूदकर वहाँ पर जाने की कोशिश करता है जहाँ पर उसका हमशक्ल भाषण दे रहा था, पर तभी सिक्योरिटी उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर जोई नाम की एक लड़की आती है और उसे अपनी स्कूटी पर बिठाकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद जोई उसे अपनी एक दुकान पर लेकर आती है जहाँ पर वो काम करती थी। वो अलादीन को कुछ कपड़े देती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मेरी दुकान में काम करोगे, पर इस पर अलादीन उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब अलादीन सड़कों पर भटक रहा था और तभी वहाँ पर उसे नदाल दिखता है जिसने उसे कई सालों पहले मरवा दिया था। अब अलादीन उसको देखकर हैरान हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए अलादीन एक बार में पहुंच जाता है जहां पर सिर्फ वही लोग आते थे जो अलादीन से नफरत करते थे। तभी वहां पर काम करने वाला एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है और वो सभी को बता देता है कि ये अलादीन है।
दरअसल इस बार में जितने भी लोग थे सभी को अलादीन ने मरवा दिया था, और अब वो सभी अलादीन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो अलादीन को टपकाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है और सभी को कहता है कि ये मेरा कजन है। दरअसल यहाँ पर नदाल ने अलादीन को पहचान लिया था। इसके बाद नदाल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो अलादीन उसे बताता है कि उसके चाचा तामीर ने उसे धोखा दिया और वो वाडिया पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। फिर अलादीन नदाल को कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, जिस पर नदाल मान तो जाता है पर वो कहता है कि मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए, जिस पर अलादीन भी मान जाता है। अगले दिन अलादीन और नदाल उस होटल के पास जाते हैं जहाँ पर अलादीन का हमशक्ल रहता है। तभी वहाँ पर अलादीन जोई को देखता है और उससे छुपने लगता है। नदाल उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो अलादीन कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं, जिस पर नदाल उसे कहता है कि अगर तुम उस लड़की को जानते हो तो उसकी मदद से हम उस होटल में आसानी से पहुंच सकते हैं। अब अलादीन ना चाहते हुए भी जोई की शॉप में काम करने लगता है, पर वहाँ पर भी वो ठीक से काम करने की बजाय सभी चीजें बिगाड़ने लगता है। फिर अलादीन को नदाल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसने सारा प्लान बना लिया है। वो केटरिन के सामान के बहाने उस होटल में जाएंगे और नकली अलादीन को हटाकर असली अलादीन को वहाँ पर ले आएंगे। अब अलादीन को ये प्लान अच्छा लगता है और इसके साथ साथ उसे धीरे धीरे जोई भी पसंद आने लगती है, जिसकी वजह से वो शॉप में अच्छे से काम करने लगता है और वो उसकी शॉप का पूरा नक्शा ही बदल देता है। फिर एक दिन शॉप में किसी औरत को लेबर पेन होने लगता है और उसके पास इतना वक्त नहीं था कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। अब अलादीन को पता नहीं होता कि डिलीवरी कैसे कराई जाती है, पर फिर भी वो उस औरत की सक्सेसफुल डिलीवरी करवा देता है। अभी देखकर जोई भी अलादीन से इम्प्रेस हो जाती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर जोई अलादीन को कहती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है, लेकिन इससे पहले अलादीन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और फिर वो जोई को अपनी सारी सच्चाई बता देता है। अब सब कुछ जानने के बाद जोई उससे गुस्सा हो जाती है और वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। फिर अलादीन जब सड़कों पर घूम रहा होता है तो वो टीवी पर देखता है कि वाडिया के लोग बहुत ही खुश हैं और वो अपने देश में डेमोक्रेसी नहीं चाहते। अब ये देखकर अलादीन को लगता है कि शायद कोई भी उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जान दे देगा। फिर वो पुल से कूदकर अपनी जान देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है और उसे समझाने लगता है। अब अलादीन भी नदाल की बात मान लेता है और वो अपने मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। फिर अगले दिन अलादीन नदाल के साथ मिलकर बहुत ही मुश्किल से उस होटल के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर वो नकली अलादीन को भगाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद अलादीन उस मंच पर जाता है जहाँ पर आज वाडिया का नया संविधान पढ़ा जाना था। इसी दौरान अलादीन उस पेपर को फाड़ देता है जिसमें लिखा था कि वाडिया में अब डेमोक्रेसी चलेगी। फिर अलादीन ये बोलने वाला होता है कि वाडिया में हमेशा डिक्टेटरशिप चलेगी, पर तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और उसको देखते ही अलादीन का मन बदल जाता है। फिर वो ये ऐलान करता है कि वाडिया में अब डिक्टेटरशिप नहीं होगी बल्कि वहाँ पर डेमोक्रेसी होगी। अब ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर तभी तामीर वहाँ पर अलादीन पर गोली चला देता है। अब वो गोली अलादीन को लगने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर उसका हमशक्ल आ जाता है और वो गोली उसको लग जाती है। इसके बाद अलादीन जोई को अपने साथ वाडिया में ले जाता है और उससे शादी कर लेता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जोई एक ज्यूइश है तो वो उसे भी मरवा देता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।